हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में लेआउट टैग में कुछ ऑप्शन जो बाकी रह गए थे उन सबके बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे पिक्चर अगर जो इंसर्ट कराना है तो कैसे हम लोग पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, और पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद जो फॉर्मेट टैब आता है तो उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लेआउट टैब की बात करें तो पिछली क्लास हमने आपको बताया था टेबल ग्रुप के बारे में, ड्रा ग्रुप के बारे में, रो एंड कॉलम के बारे में और मर्ज के बारे में। एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले अगर टेबल में बात करें तो टेबल में पहले क्या दिया, सेलेक्ट दिया है ना। तो सेलेक्ट मतलब सबको क्लियर होगा, सेलेक्ट जो भी आपको करना है, चाहे वो एक सेल करना है, चाहे क्या करना है एक कॉलम करना हो, या फिर क्या करना हो एक रो करना हो, या फिर पूरा टेबल ही सेलेक्ट, बताएगा ना। और आगे हम आपको बताए थे ग्रिड लाइन, ये कब काम करेगा, जब हमारा पूरा टेबल क्या रहेगा, नो बॉर्डर रहेगा, डिजाइन में हम क्या कर लेंगे, नो बॉर्डर, क्या कर लें यहाँ से, नो बॉर्डर। अभी कोई ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा है ना टेबल का, लेकिन जैसे हम लेआउट में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन को ऑन करेंगे तो हमारे टेबल का ग्रिड लाइन क्या होगा, शो होने लगे। मतलब इतना पता है ना, इतना हो जाएगा ना। चलिए, और लेआउट में आने के बाद अगला प्रॉपर्टीज, टेबल को लेफ्ट या राइट सेंटर जहां भी करना हो हम प्रॉपर्टीज में जाकर हम यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते, हो जाएगा ना। आगे ड्रा टेबल, कि अपने हिसाब से आपको कोई टेबल ड्रा करनी हो जाएगा ना, आप ऐसे टेबल क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते, हो जाएगा ना। इरेजर, कि आप जितना टेबल इरेज करना चाहते हो उतना टेबल आसानी से इधर इरेज कर सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इरेजर के पास से डिलीट बताया था हमने, इसमें हमने बताया था ये चीज की डिलीट सेल करेंगे तो डिलीट होगा, अगर जो डिलीट कॉलम करेंगे पूरा कॉलम डिलीट होगा, रो करेंगे पूरा रो डिलीट होगा, और टेबल करें तो पूरा टेबल क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है ना। और आगे हम इसमें बताए थे कि जब आप लेआउट टैब में आएंगे तो इंसर्ट अबव क्या है, इंसर्ट बिलो क्या है, लेफ्ट क्या है और राइट, कि जिधर भी आपको ऊपर रो इंसर्ट करानी थी अबव करेंगे, नीचे रो इंसर्ट करानी है तो क्या करेंगे, बिलो करेंगे, और जो लेफ्ट में करना है कॉलम तो लेफ्ट, और राइट में करना है तो मर्ज सेल का मतलब आप लोग पढ़े थे उस दिन, कि दो सेल है या दो से अधिक सेल है उसको मर्ज करके एक सेल बना किसका इस्तेमाल करेंगे, मर्ज। इसलिए टेबल पता ही होगा कि एक सेल के अंदर कई सारा रो या कॉलम इंसर्ट करानी है, हम यहाँ से एक सेल में कई सारा रो या कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, आ जाइए, हो जाएगा ना। और ये इसलिए टेबल बताया था, जो एक टेबल को दो भागों में डिवाइड करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते, क्लियर है ना। तो लगभग पिछली क्लास हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, और इसके साथ एक और चीज हम लोग पढ़े थे ऑटो फिट, हो जाएगा ना। चलिए, अब इसके आगे का ऑप्शन समझ लीजिए, कि जैसे सपोज करें एक हम टेबल ले ली, इस टेबल में हाइट और विथ दोनों दिया है, अगर जो हो सकता है इसको ये वाला कॉलम जो है इसका आपको हाइट बढ़ानी है या पूरे की हाइट बढ़ानी है, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, हाइट बढ़ा लीजिए, हाइट बढ़ रहा है उसका, और जो विथ बढ़ानी है ये अगर जो बढ़ाना है तो आप यहां से बढ़ा लीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जितना कम या ज्यादा करना आप यहां से क्या कर सकते, उतना कम या ज्यादा कर सकते। अगली चीज, आगे आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, हो सकता है कहीं आपका कॉलम का साइज क्या हो, ऐसे कई जगह कम हो कोई ज्यादा हो, आ रहा समझे ना। हम ये चाहते हैं कॉलम की जो साइज है ना सारा एक बराबर हो जाए, उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, बराबर हुआ सारा। और जब ऐसे रो कम या ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हो गया, फिर ये नीचे ज्यादा हो गया, ये यहाँ नीचे वाला ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हुआ है ना, सबको सेलेक्ट कर दिए और कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, देखिए सारा बराबर हुआ, एक बराबर हो जाएगा ना, चाहे वो कॉलम हो और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट। का मतलब क्या होगा, एक बराबर बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, एक बराबर बांटना। अगर चाहे आप रो अगर जो अलग अलग साइज का एक बराबर करना चाहते हैं तो रो करिए, और वो जो कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम, हो जाएगा यहाँ तक ना। और आगे आपको ये अलाइनमेंट दिखाई देगा, जो आपके अलाइनमेंट उस दिन बताए थे याद है, कि अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं ये आपको कहाँ रखना है, याद है ना, कि अगर जब आप लेफ्ट में रखना, राइट में रखना चाहते हैं तो राइट रखिए, सेंटर
सेंटर में, मिडिल में, यानी कि जहां पर रखना चाहते हो अलाइनमेंट यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, जाएगा ना। आगे आपको टेक्स्ट डायरेक्शन दिखाई देगा, जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे कुछ लंबा कंटेंट हम लिख दिए, अब हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे चले, चेंज हुआ। और अब नीचे से किधर ऊपर के तक, और यदि फिर इस पे क्लिक कर दे तो लेफ्ट से किधर राइट, और यदि फिर क्लिक कर दे तो ऊपर से नीचे, हो जाएगा ना। ऐसा हम यहां से क्या कर सकते, अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते। और आगे आपको सेल मार्जिन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, सेल मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब क्या ये पता है, मार्जिन का मतलब क्या होगा? सेल नहीं, मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम लोग कुछ पेज पे लिखते हैं ना, आप लोगों ने पिछली क्लास में एक पेज बनाया था ना कॉपी का, तो आप लोग क्या किए थे, बीच में एक लाइनिंग दिए थे ना, यहाँ पे ला के ऐसे एक आपने रेड लाइनिंग दिया था ना, हम लोग क्या करते हैं इसके ये इधर ही तो लिखते हैं ना, जो लाइनिंग दी इसके लाइनिंग के बाहर तो नहीं लिखते हम लोग ना, उसके अंदर ही लिखते हैं, तो वही एरिया मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मर्ज। मर्ज में और मार्जिन में अंतर है, एक बार और समझ लीजिए। मर्ज का मतलब हो जाएगा कि वो आपका ये कई सारा टेबल है, इस टेबल को मिला करके यदि आप एक टेबल बनाना चाहते हैं तो इन सबको मिला करके आप क्या कर सकते हैं, एक बना सकते। मार्जिन का मतलब ये है कि अगर जो आपका कोई टेबल, मान लेते हैं कि ऐसे लाइनिंग है, फिर एक ऐसे है, एक ऐसे हमने कर लिया, और एक ये टेबल आ रहा, समझे ना। अगर जब भी हम यहाँ पे जीआईटी लिख रहे हैं तो जीआईटी जो लिख रहे हैं यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, आ रहा समझे ना। हम ये चाहते हैं जो जीआईटी यहाँ से लिखा हुआ है, ये जीआईटी जो है ये यहाँ से ना लिख करके बल्कि यहाँ से लिखना स्टार्ट, आ रहा समझे। मतलब समझिए, अगर जो एक सेल है ना, तो सेल से टेक्स्ट की कितनी दूरी चाहिए वो हमारा दर्शाता है क्या, मार्जिन। जब काम करेगा तब अच्छे समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ऊपर ये वाला सेल दिख रहा है ना, अगर जब हम लिख रहे हैं कुछ भी तो कहाँ, बिल्कुल ऊपर से और लेफ्ट थोड़ा सा छोड़ के लिख रहा है ना, जगह दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यही चाहते नहीं, ऊपर से भी स्पेस दे करके लिखे आप। आज ये लेआउट के सेल मार्जिन, देखिए मार्जिन आपको कितना दिख रहा है, चार, जीरो टॉप लेफ्ट बॉटम, और तो ये चार अलाइनमेंट कौन कौन से हैं, ये ऊपर से अलाइनमेंट कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, और बॉटम्स कितने चाहिए। देखिए टॉप से कितना छूटा हुआ है, यानी कि टॉप पे बिल्कुल सटा हुआ चिपका हुआ है ना, टॉप पे बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, यहाँ से क्या कर दिया हम, बढ़ा लिए, हो गया ना। और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। देखिए टॉप से उतना छोड़ करके लिखा हुआ है नीचे, अब कितना भी कोशिश कर ले ऊपर लेके जाने की तो ऊपर जाने वाला नहीं, चाहे आप अलाइनमेंट का ही यूज भले ही क्यों ना करें, अलाइनमेंट ऊपर वाला है क्या, उससे ऊपर जा रहा है, बॉटम कर दे रहे हैं, देखिए उससे नीचे नहीं जा रहा है ना, अभी बिल्कुल पास में आ गया है, लेकिन वही हम सेल मार्जिन में गए और यहाँ से बॉटम से भी हम क्या कर दे, बढ़ा ले, बटन से भी क्या कर दे, यहाँ से बढ़ा, ओके कर दे। देखिए बॉटम से भी अब जगह छोड़ के आ गया है, इतना क्लियर है ना। तो जो एरिया हमारी टाइपिंग में न आए वही एरिया हमारा मार्जिन कहलाता जी है, वही एरिया क्या कहलाएगा। और मार्जिन के आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा सॉर्ट, जो सॉर्ट आप लोग पढ़े हैं ना, A to Z या Z to A करना, याद है कि अगर जो आप कोई नंबर कोई टेबल बना ले रहे, सबको यहां से हटा दिए, एक नया टेबल लिए, पूरा ही ले लेते, यहाँ हम लिख दिए 3, नीचे लिख दिए कितना 5, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6। तो क्या ये सीरियल नंबर से है, सीरियल नंबर से नहीं है ना, ये हमको सीरियल नंबर से करना है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, लेआउट के सॉर्ट। अब देखिए बता रहे नंबर है, असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग चाहिए, असेंडिंग चाहिए असेंडिंग, ओके कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 के क्रम में हुआ है, हो जाएगा ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लोग किए थे याद होगा, होम टैब के शॉर्ट ऑप्शन,
याद है ना। दूसरी चीज जब आगे आएंगे तो लेआउट में अगला आपको दिखाई देगा रिपीट हेडर रूल। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? रिपीट। इसका इस्तेमाल जानते हैं कब करेंगे? चलिए इसको समझने के लिए कुछ अलग हम डेटा बनाते हैं, सबको डिलीट कर दें, इंसर्ट में गए, इंसर्ट टेबल पे आए, कॉलम हम लोग को कितना बनेगा, सीरियल नंबर ले लेना है, नेम, कोर्स फी, पैड और ड्यू, 6 चाहिए ना। हम कॉलम ले लिए 6 और रो की संख्या काफी ज्यादा हम ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए 100 ले, 6 कॉलम लेकिन 100 रो आया है ना, लगभग कितना पेज गया है, 2। इसी को बढ़ा के 3-4 पेज कर लेते हैं। कितना पेज हो गया अभी हमारे पास? 3 पेज हुआ है ना। चलिए टैब बटन प्रेस करते हुए हम कम से कम 4-5 पेज कर लेते हैं। कौन सा बटन? ठीक टैब बटन। लगभग 4 पेज आ गया ना। अभी हम क्यों इतना पेज बढ़ाए हैं अभी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लगभग काफी सारा पेज होगा, 5 पेज होगा। तो अगर जब आप कहीं डाटा एंट्री करने जाएंगे तो 1 पेज का डाटा एंट्री नहीं होगा ना। अगर जो कहीं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे किसी स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है, तो 1 पेज बोले 40 बच्चों का है, बस 40 बच्चों का ही नहीं रहेगा ना, और भी बच्चों का एडमिशन होगा ना। सपोज करिए हम यहाँ पे लिख दिए SR नंबर, आगे लिख दिए क्या नेम, आगे कोर्स, उसके आगे फी, और उसके आगे, और उसके आगे। अब आप बताइए हम पहले पेज हेडिंग ऐसे जो भी डेटा लिखना हुआ लिखते हुए चले, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे सभी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, उनका कोर्स लिखेंगे, उनका कितना फी है, कितना जमा हुआ, कितना बाकी, ये डेटा लिखते हुए चले जाएंगे ना। लेकिन नीचे आने के बाद से दूसरे पेज पे आ गए, तो क्या है आपको यहाँ कुछ पता चला कि ये किसका हेडिंग है, ये किसका हेडिंग है? नहीं पता चल रहा है ना। फिर दोबारा आपको यहाँ हेडिंग लिखना हो तब तो समझ पाएंगे ना। इतना समझ आ रहा है ना। या फिर इसी को एक चीज और समझ लीजिए, फाइल पे गए और फिर हम प्रिंट पे आ गए, उसका प्रीव्यू दिख रहा है ना। तो देखिए पहले पेज पे उसका हेडिंग दिख रहा होगा, पहले पेज पे हेडिंग दिख रहा है ना। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पेज कर रहे हैं दूसरे पेज के लिए, क्या दूसरे पेज पर हेडिंग दिख रहा है? लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार डेटा बनाएं तो वो सारा हेडिंग दूसरे पेज पर भी चला है, जिसको सेलेक्ट करेंगे और आपको कहाँ आना होगा, बस इसको ऑन कर देना होगा रिपीट हेडर रो। ऑन हो गया है ना। अब दूसरे पेज पर आ गए। अब किस पेज पे आ गए? दूसरे। क्या इसमें हम लाने गए हैं? इसका मतलब समझा रहा है ना। एडिंग से रिपीट करता हाँ, हेडर ही सिर्फ रिपीट करता हुआ चला जाएगा अगले पेज पर। यहाँ भी आ गया, आया है ना, क्योंकि अभी हम तीसरे पेज में, अभी हमको यहाँ, हम यहाँ पे लाने नहीं गए। चलिए चौथे पेज पे आ जाइए स्क्रॉल करके। अब कितने पेज पे आ गए? चौथे पेज नंबर पे। क्या यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना? कोई नहीं, फाइल में जाइए, प्रिंट पे आ जाइए। पहला पेज है, चलिए हम पूरे पहले पेज पे आ गए। कितना नंबर पेज नंबर दिख रहा है यहाँ पे? यानी एक कि 5 है, 5 हम कितने नंबर पेज पे हैं? एक एक पेज, एक पे हेडिंग दिख रहा है ना, नेक्स्ट कर दिए। अब कितने और पेज पे आ गए? हेडिंग दिख रहा है, नेक्स्ट कर दिए। कितने और पेज पे हैं? हेडिंग दिख रहा है, फिर नेक्स्ट। कितने और पेज पे हैं? अच्छा, हेडिंग दिख रहा है ना। चलिए लास्ट एक और 5 बचा है, तो क्या 5 नंबर टेबल पे आ गए तो भी डेटा दिख रहा है ना। तो रिपीट हेडर रो का मतलब क्या ये क्लियर हो रहा है ना। और जब आगे आएंगे अगला आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला भी एक ऑप्शन, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या दिखाई देगा? कन्वर्ट मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किए थे ना, कि टेक्स्ट से कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, टेबल। जैसे हम यहाँ लिख दिया SR नंबर टेबल, फिर हम लिख दिया क्या नेम, फिर हम यहाँ लिख दिया कोर्स, कोर्स के बाद से फी, उसके आगे पैड, और पैड के आगे, वो ये टेबल में है कि वैसे टेक्स्ट में लिखा गया है, टेक्स्ट।
कन्वर्ट करना टेबल में, हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहां से क्या कर ले रहे थे, देखिए ये किस में आ गया है, टेबल में आ गया है ना, लेकिन अब इस टेबल से फिर हमको टेक्स्ट में लेकर के जाना है, अब हमको टेबल नहीं चाहिए, उसके लिए फिर हम कहाँ आ जाएंगे, लेआउट, और मिलेगा यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, क्लिक करिए, तो पूछेगा टैब में रखना है कि पैराग्राफ मार्क देना है कि आपको कॉमा देना है या अदर कोई देना है, चलिए हम अदर में समझने के लिए हैज डाल देते हैं, और यहाँ से क्या कर लिए, देखिए सबके बीच में सिर्फ हैज का सिंबल लग के आया है ना, जहां स्पेस रहना चाहिए था वहां क्या लग के आया है, हैज, अंदर दिख रहा है ना, चलिए कोई नहीं अंडू कर लेते हैं, लेआउट में आ गए हैं कन्वर्ट में, तो टैब रख दे बेहतर रहेगा ना, टैब करके क्या कर लिए, क्या टैब का जगह बीच बीच में दे के आया है, ऐसा का जो कोई डेटा कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हाँ आगे इसमें देखिए आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इसमें लेआउट में आने के बाद से फार्मूला, क्या दिखाई देगा, फार्मूला, हाँ तो इसमें बस हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि दो नंबर हो या चार नंबर उसको जोड़ सकते हैं, बाकी और कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, कैसे हम यहाँ पे लिख दिए क्या 10, क्या लिख दिए 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, इन्हीं सबको यहाँ पे जोड़ना है कि 10 20 30 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको सिंपल बस किस पे क्लिक करना होगा, फार्मूला, और यहाँ से ओके, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लीजिए एक बार, 10 20 कितना हो जाएगा 30, और 30 कितना हो जाएगा 60, और 60 100 60 40 कितना होगा, हो जाएगा ना, कोई नहीं, और आप यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 50 है, यहाँ 80 है, नीचे क्या है 80 है, उसके नीचे क्या है 60 है, इन सबको सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए कहाँ पे, या फिर नीचे बस कर्सर रख लिए, फॉर्मूला पे क्लिक किए, और यहाँ से क्या कर लिए, बता दिए कितना होगा, हो जाएगा ना, तो लेआउट टाइप में जितना ऑप्शन दिए इतना क्लियर हो रहा है सारा ना, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं समझ लीजिए, हाइट और विड्थ का मतलब क्या समझा रहा है ना, कि जो भी रो और कॉलम है यानी कि आप एक सेल लिए हैं इसकी यदि हाइट को बढ़ाना तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं, और यदि कॉलम है ये रो के साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से रो का साइज बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा ना, कम हो गया इतना कर ले जाएंगे ना, अगला दिया डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो सबको बराबर भागों में बांटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट और रो और डिस्ट्रीब्यूट, बाकी अलाइनमेंट आप लोग पता ही होगा, टेक्स्ट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लिखना वो डायरेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल मार्जिन कितना स्पेस छोड़ करके आपको इस सेल में लिखना है वो हम किसके माध्यम से देंगे, सेल मार्जिन, शॉर्ट पता ही है, शॉर्ट क्या करेगा, हाँ अगर जब उसको सीरियल नंबर के क्रम में रखना चाहते हैं चाहे असेंडिंग और चाहे डिसेंडिंग, और रिपीट हेडर रो, ये समझ में आ गया है ना, रिपीट हेडर रो क्या है, और रिपीट हेडर रो के बाद हम क्या होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कि पहले से हम ये टेक्स्ट लिखे हैं और टेक्स्ट में टेबल लिखे हैं और कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें टेक्स्ट में, तो क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके, देखिए सारा टेबल हट के किसमें आ गया, बस टेक्स्ट हो जाएगा ना, और इसके बाद हम आपको बताएं जब टेबल लिए रहे तो आपको अगला दिखाई देगा किसका ऑप्शन, फार्मूला, तो बस ये जोड़ने का काम करेगा, और जब आप दो नंबर ले लिए हैं और दो नंबर के यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो फार्मूला में जाइए, जस्ट क्या कर लीजिए जोड़ कर बता देगा कितना होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो लगभग लेआउट टाइप का सारा ऑप्शन कर ले जाएंगे लोग ना, तो अब इसके बाद हम आ जाए इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद ये पिक्चर ग्रुप बता देना पिक्चर, अब अगर हम काम कर रहे हैं और आपको कहीं आप इसमें इमेज लगाने की आवश्यकता पड़ी, क्या लगाने की आवश्यकता पड़ी, इमेज लगाने के लिए क्या करेंगे, किस टाइप का किसका इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा दो पिक्चर का ऑप्शन दिया, एक दिया किसका पिक्चर और दूसरा दिया क्या ऑनलाइन, दूसरा क्या दिया है ऑनलाइन, तो समझिएगा
ये पिक्चर कब काम करेगा, जब आपको इंटरनेट ये आपके कंप्यूटर इमेज से वो और वो लेके आनी है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? और यदि हम ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं सर्च करके, तब किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑनलाइन पिक्चर। लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी, इंटरनेट रहेगा तो ही काम करेगा, नहीं था काम कैसे? तो देखिए, हम ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सर्च का ऑप्शन आ गया है ना, या यहीं पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप कैटेगरी वाइज आ जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, कुछ ऐसे इमेज होते हैं ना जो इंसर्ट नहीं हो पाते। खाली पे आ गए, सेलेक्ट की और यहाँ से इंसर्ट करा दी, जिसको जिसको भूख लगा हो ना लेके खा ले। देखो इमेज आया है ना, साइज के कर लिए, पड़ा आ गया इमेज कि ये डाउनलोड करके हम इंसर्ट कराने का है। क्या आया है? ऑनलाइन आया तो आप लोग खा भी सकते हैं ना दाजी, ऑनलाइन आ गया तो खा भी सकते हैं लोग ना। चलो सबको डिलीट कर दी, तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है ना कि इंसर्ट में जाइए फिर ऑनलाइन पिक्चर में आ जाइए तो आपको सर्च करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे हम फ्लावर इमेज लेना चाहते हैं, यहाँ सर्च कर लिए क्या फ्लावर, इंटर करना, फ्लावर इमेज बहुत सारा इमेज दिख रहा है ना, जो चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ से इंसर्ट कर। लेकिन आप ध्यान रखिए, कुछ ऐसे इमेज होते हैं जो डाउनलोड नहीं हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी वो नहीं समझेगा जो डाउनलोड होने नहीं दे, तो ये नहीं सोचिए कि नहीं और जो हम ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा था हम इसको छोड़ देंगे, वो नहीं डाउनलोड हो रहा है फिर दूसरा कोई डाउनलोड करके ट्राई कर लें, हो जाएगा ना। कुछ ऐसे इमेज होंगे जो हमारे इस ब्राउजर में नहीं सपोर्ट करेंगे, वो डाउनलोड होने नहीं देगा, हो जाएगा ना। और वो जो हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव है वो लानी है, तो आप कहाँ चले जाएंगे? देखिए आपका कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन किया है ना, कि आपके कंप्यूटर में जहां कहीं भी हो उस इमेज को सेलेक्ट करिए, फिर क्या कर दीजिए इंसर्ट, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो इमेज लाने में कोई इशू नहीं है ना, लेकिन जैसे इमेज हम लेके आ रहे हैं ना एक एक्स्ट्रा टैब जुड़ जाओ। कौन सा टैब? फॉर्मेट। कौन सा टैब जुड़ रहा है? क्या काम है इस फॉर्मेट का? फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जो भी आपको इस पिक्चर में फॉर्मेटिंग करनी है आप उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट टैब। कैसे? सबसे पहले दिया है रिमूव बैकग्राउंड, क्या दिया है? रिमूव बैकग्राउंड। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको इसके रखने के साथ साथ इंसर्ट में जाते हैं, ऑनलाइन में, और यहाँ से कोई हम इमेज ले, डॉग इमेज ले लिया जाए फिलहाल समझने के लिए, हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए कौन सा होगा जी? लैपटॉप वाला ले लिया जाए। चलो छोड़ो, इसमें से कोई ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं डाउनलोड होगा, इस लाइन में कोई नहीं होगा, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। चलो ये स्कॉट, अगर कैट इमेज सर्च करते हैं कहीं कैट वाला डाउनलोड हो जाए। नहीं आने दे रहा है ना, वो यहां से नहीं डाउनलोड होने दे रहा है ना ये। अभी हम ब्राउजर पे चले जाएंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे पहले, यहाँ सर्च कर ली, कौन सा इमेज ले लिया जाए? कैट इमेज ही। हम यहाँ पे आ जाएंगे किसमें? इमेज वाले, आपको बहुत सारा इमेज दिखाई देगा, ये वाला ले लें क्या? राइट क्लिक, सेव इमेज एज, लोकेशन कहाँ दे दिए? डेस्कटॉप ही दे देते हैं ताकि सामने रहेगा, यहाँ से क्या कर लिए सेव, पहला इमेज हो गया। दूसरा हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं मैन इमेज, क्या ले लिए? मैन इमेज, कौन सा ले लिया जाए?
कौन सा ले लिया जाए? ये वाला ले लें। ये वाला ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। क्यों? राइट क्लिक किए, फिर कहाँ चले गए? सेव इमेज एज। लोकेशन कहाँ दे दिए? डेस्कटॉप। और इसको क्या कर लिए सेव? हम ये दोनों इमेज क्यों लिए हैं? ताकि अगर हम यहाँ पे आए और उस इमेज को इसके ऊपर रखना है, क्या करना हो? इस इमेज के ऊपर रखना, और वो भी बिना बैकग्राउंड का। अभी देखिएगा, हम पिक्चर में चले गए, कहाँ? डेस्कटॉप पे रखे हैं ना, सेलेक्ट किए और यहाँ से इंसर्ट कर, इसका बैकग्राउंड आया हुआ है ना, बैकग्राउंड से आ रहा है इसमें ना। हम चाहते हैं बिना बैकग्राउंड के यहाँ पे लगा सकते। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ना, आपको एक टैब दिखाई देगा, कौन सा? फॉर्म। और फॉर्मेट में ही दिखाई देगा क्या? रिमूव बैकग्राउंड। क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जितना पिंक एरिया हो रहा है वो सारा डिलीट हो रहा है, और जो एरिया बिल्कुल जैसे पहले था वैसे दिखाई दे रहा, वो क्या हो जा रहा है? रह जा रहा है। तो फिलहाल समझने के लिए हम कीप चेंज कर रहे। देखिए, गर्दन से सारा डिलीट हो चुका है। कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ दिख रहा है जी? सारा डिलीट हो गया है ना। चलो हम थोड़ा सा अंडू करके आते हैं वापस। ऐसे था ना। अब यही बैकग्राउंड हमको रिमूव करना है। अगर जो ऐसे ही हम जा रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड पे, इतना सारा रिमूव कर दे रहा है, लेकिन क्या करना हमको? शरीर बचाना और बैकग्राउंड सारा क्या कर देना है? डिलीट करना है। उसके लिए पहले हम चारों तरफ साइज को बढ़ा लें। चारों तरफ इस साइज को क्या कर लेना है? बढ़ा लेना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिएगा किसका? मार्क एरिया टू रिमूव और मार्क एरिया टू कीप। जितना रखना चाहते हैं उतना मार्क एरिया टू कीप करेंगे, और जो डिलीट करना चाहते हैं मार्क एरिया टू क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। हो गया है ना। अब कहीं ऐसा है जो शरीर के ऊपर कहीं पिंक कलर दिखाई दे रहा हो? कहीं और नहीं है ना। हम यहाँ से कर देंगे क्या? कीप चेंज। अब देखिए, क्या आपको बैकग्राउंड दिख रहा है? आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, इमेज पे लेके आ जाइए, साइज को बड़ा कर लीजिए। क्या कोई बैकग्राउंड है इसका? बन जाएगा ना। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अलग से लगाया गया है? उतना पता नहीं चल रहा, बहुत हल्का फुल्का पता चल रहा। सही लग रहा है ना? तो हमने कैसे किया है? हाँ, चाहते ना इसके बगल में हम क्या कर सकें, एक कैट को भी रख सकें। किसको रख सकें? कैट। तो उसके लिए जो हम लोग कैट का इमेज लाए हैं ना, उसको यहाँ इंसर्ट करा लें। आ गया ना। इसका भी तो बैकग्राउंड रिमूव करना होगा ना। तो कहाँ जाएंगे? रिमूव बैकग्राउंड, पहले चारों तरफ साइज को बढ़ा लेंगे, मार्क एरिया टू कीप ले लेंगे, और यहाँ जो कट रहा है ना इसको बचा देंगे। ऐसे हो गया ना। यहाँ से क्या कर देना है? कीप चेंज। अब देखिए, दोनों ये भी इधर से ही है और ये भी इधर से ही है, इसको रोटेट करा देते हैं किसी। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको जो है इधर से रोटेट कराना है। तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, रोटेट का फ्लिप कर दीजिएगा और इसको इस साइड रख लीजिए, बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो रिमूव, जो रिमूव बैकग्राउंड दे रहा है, इसका मतलब समझ आ रहा है ना, कि अगर जो हम पिक्चर लें एमएस वर्ड में और उसके बाद से जो रिमूव बैकग्राउंड का यूज करना है तो कर ले जाएंगे ना। उसके बैकग्राउंड को सिर्फ रिमूव करना है, इमेज को क्या करना है? रख लेना है, हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा करेक्शन। क्या दिखाई दे रहा है? करेक्शन। तो ये कब काम करेगा? जैसे हमको लग रहा है कि ये वाला जो इमेज लिया है ना, इसमें कुछ करेक्शन करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, कुछ चेंजिंग हो रहा है इमेज के ऊपर? देखिए, लगे बिल्कुल काला सा है ना, काला तो दिख रहा है ना। और फिर गोरा करना तो क्या करेंगे? इसको करेक्शन में जाएंगे और यहां से इसको बढ़ा लें। हो गया, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? और आगे जब आप जाएंगे ना, चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए, करेक्शन के नीचे कलर में आ गए, जिस कलर को आपको रखना है, कुछ कलर चेंज हुआ उसका? कलर चेंज हुआ इसका ना। सेलेक्ट किए, कलर में आ गए, और इस बार हम कलर कर लेते हैं कुछ, कौन सा? चलो मोर वेरिएंट्स पे आ जाएंगे, और इसमें इस कलर ले लिए रेड। अब किस कलर का हुआ है?
ग्रीन कलर करना है, ग्रीन कलर का भी रहता है क्या? उस ग्रीन कलर दिखा पता चल रहा है, हो जाएगा ना? तो जैसे आपको इसमें फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आप वैसे फॉर्मेटिंग कर सकते, तो लगभग रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शंस और कलर, ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो रहा होगा ना? और आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आर्टिस्ट इफेक्ट, तो आर्टिस्ट वाला जानते हैं ना, जैसे ये ऐसा लगता है स्केच करके बनाया गया, वैसे लेना चाहते हैं इसमें बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेगा, सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्ली बिल्ली वाले स्केच देखिए, तो चेंज हुआ है ना? चलिए पहले इसको वो कर देते हैं, रीसेट कर लेते हैं। पहले हम क्या कर दे, रीसेट कर, पहले ऐसे था ना, रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से किप चेंज कर दे, दिख रहा है इमेज ना? अब हम आ गए किस पे, आर्टिस्ट इफेक्ट पर, और यहाँ आने के बाद से हम कोई इफेक्ट दे देते हैं, कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? लग रहा है जी बहुत। बहुत लग रहा है, कर ले जाएंगे इतना? लो किसको यहाँ लगा दिए, डराने के लिए आ गया इसमें, हो जाएगा ना? तो ये डरा रहा है फिर वो हंस रहा है, बन जाएगा। तो ये हमने अभी कितने ऑप्शन का यूज किया इसमें, फॉर्मेट टैब में, आर्टिस्ट इफेक्ट। हाँ आगे आपको कंप्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, कंप्रेस पिक्चर इसमें ज्यादा काम नहीं करता है, अगर आपके पास बहुत सारा इमेज हो ना, सबको कंप्रेस करना है, उसके साइज को छोटा या बड़ा करना है, तो हम यहाँ से एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, चेंज पिक्चर का, और जब हम ये इमेज ले लिए हैं और इसको हटा कोई दूसरा इमेज लेना है, तो हम किस पे आ जाएंगे, चेंज पिक्चर, दूसरा कोई पिक्चर, या तो ऑनलाइन लेना या तो ब्राउज से जाकर अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेंगे। चेंज हो गया ना? अब चलिए हम बैकग्राउंड रिमूव कर लिए, किप चेंज, कलर चेंज कर दे इसका, इसमें करेक्शंस कर दी, इतना सारा हमने स्टाइल कर दिया है ना, लेकिन हम चाहते नहीं जैसे पहले था वैसा ही हो जाए, तो हम यहाँ से कर देंगे रीसेट, ऐसा ही था पहले, हो जाएगा ना? तो इन सभी ऑप्शन का यूज कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? और आगे तो आपको पिक्चर स्टाइल दिखाई देगा, तो बहुत आसान है क्या? तो जैसे आपको स्टाइल चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए, इमेज को कुछ स्टाइल चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना? फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइएगा लोग, और अगली क्लास में आपको यहीं से आगे बताएंगे, फिर हो जाएगा। तो आज हम आपको कहाँ कहाँ तक बताएं, इन शॉर्ट में यदि आप टेबल ले ले रहे हैं, तो टेबल लेने के बाद से इसके बारे में, चलिए टेबल ले लिए, टेबल लेने के बाद से लेआउट टैब में आने के बाद हमने आपको इधर के सारे ऑप्शन बताए, हो जाएगा ना? और उसके बाद हम आपको बताएं कि और जब आप इंसर्ट में जाके पिक्चर लेना चाहते हैं, तो या तो आप ऑनलाइन पिक्चर लीजिए, या तो फिर आप क्या लीजिए, ऑफलाइन पिक्चर लीजिए। ऑनलाइन लेंगे तो इंटरनेट से सर्च करके लाएगा, और ऑफलाइन लेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो इमेज सेव रहेगा बस वही है, क्लियर है ना? और इसके बाद जब आप इमेज ले लेंगे, आपको फॉर्मेट टैब दिखाई देगा, फॉर्मेट टैब में आप जैसे यहाँ पे काम करना चाहते हो वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग, सभी लोग बना कुछ ना कुछ दिखाइए, बन जाएगा ना?